दोस्तों जहां पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से एफडीआई में भारी गिरावट आई है, तो दूसरी तरफ भारत कोरोना काल में रिकॉर्ड परिणाम विदेशी निवेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रिकॉर्ड एफडीआई से। सरकार ने 10 महीने की आंकड़े यहां पर जारी किया है। इन 10 महीने की आंकड़े में रिकॉर्ड टूट गए है। 28% की दौर से रिकॉर्ड एफडीआई भारत में निवेश किया गया है, जहां पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन जो बड़े बड़े निवेशक हैं, उन्होंने अप्रैल से लेकर जनवरी तक के आंकड़े के अंदर देखा जाए तो रिकॉर्ड स्तर पर निवेश करके $54 बिलियन तक एफडीआई को पहुंचा दिया है। और दोस्तों कोरोना के चलते बड़े बड़े निवेशकों ने अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए भारत की मार्केट को चुना है और यहाँ पर भारी मात्रा में एफडीआई की निवेश किया है। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में भारी निवेश आया है। और इन सब इन्वेस्ट के चलते कोरोना के टाइम के बावजूद भी भारत की मार्केट में भारी मात्रा में एफडीआई आया है। तो वही भारत में जो रिलायंस जियो है, उनमें भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने मोटे इन्वेस्ट किया है। और सबसे ज़्यादा भारत में इन्वेस्ट आया है सिंगापुर से, साथ ही अमेरिका, यूएई, जापान और भी कई देश भारत में रिकॉर्ड परिमाण निवेश किया है। हालांकि जनवरी के महीने में जो डेटा आया है, उसमें सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश जापान बन गया है। जापान ने जनवरी के महीने में भारत में भारी मात्रा में निवेश किया है और जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देश भारत में बन गए हैं जापान। और इसके बारे में सरकार ने बताया है, आज दुनिया की बड़े बड़े देश भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार PLI स्कीम के तहत कंपनियों को, इन्वेस्ट करने वालों को इंसेंटिव्स दे रहा है। और यही एक कारण है भारत में इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट आने की। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले साथ ही साथ, और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे पहले।